हेलो बच्चों, मैं संतोष सर और ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले टाइम पे हेलो एलकेन कंप्लीट किए थे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन। तो हेलो एरिन का दैट इज द सिंबल हो जाएगा ए आर, और यहाँ पे एक्स एक्स मतलब समझ रहे हैं क्लोरीन या ब्रोमीन। तो पहला प्रिपरेशन हम लोग फ्रॉम हेलो जिनेशन और बेंजीन, तो हम लोग हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, अगर बेंजीन का हम लोग हैलोजिनेशन कर दें तो ये कंपाउंड हम लोग को फॉर्म हो जाएगा। तो बेंजीन प्लस क्लोरीन इन द प्रेजेंस एफ ई सी एल थ्री, एफ ई सी एल थ्री और यहाँ पे क्लोरो बेंजीन और प्लस HCl। ऐसे अगर ब्रोमीन से करा देंगे आप, ब्रोमीन से FeBr3 ले सकते हैं, FeBr3 डार्क रूम टेम्परेचर, ऐसे यहाँ भी यूज कर लेंगे तो यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा बच्चों, ब्रोमीन तो आपका हो जाएगा ब्रोमोमीन प्लस HBr। एक इसमें होता है साइड चेन हैलोजिनेशन, साइड चेन हैलोजिनेशन ये भी अगर आप इससे बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ले लिए क्या टाइलिन, इसका क्या नाम है बच्चों टाइलिन। इसकी रिएक्शन आप क्लोरीन से ये CH3, तो साइड चेन का मतलब हुआ कि यहाँ के एच को ये रिप्लेस करेगा, जब यहाँ के एच को बच्चों रिप्लेस करेगा तो ये आपका हो जाएगा एक एच लेस करिए CH2Cl और प्लस HCl। फिर अगर हम लोग इसको इसका नाम अगर लिखना चाहते हैं तो इस ग्रुप को हमने कभी बताया होगा पीछे बेंजीन या बेंजाइड, फिर याद कर लीजिए बेंजीन से एक एच कम होता है दैट इज कॉल्ड फिनाइल, अगर उसमें CH2 ऐड रहता है यानी C6H5CH2 दैट इज कॉल्ड बेंजीन, और Cl लगा है तो बेंजीन क्लोराइड। इसको तीन स्टेप में कंप्लीट कर सकते हैं, एक एक एच फिर से रिप्लेस कर देंगे। बेंजीन ये हो जाएगा बेंजल, बेंजल क्लोराइड। फिर इसको अगर ले आते बच्चों तो एक एक एच रिप्लेस करते जाएंगे, एक एक जैसे आपने मीथेन पढ़ा होगा तो उस तरीके से दिमाग बैठाए तो इजीली लर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका एच जब कम होगा CCl3 और प्लस HCl बेंजो ट्राई क्लोराइड, इस तरीके से बेंजिल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड और बेंजो ट्राई क्लोराइड से। तो मेन आपका बच्चों ये हो गया कि अगर क्लोरो ब्रोमो बेंजीन अगर बनाना हो तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट आप फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट, डाइएजोनियम सॉल्ट से हम लोग को बनाना है, ये अलग से भी कोर्स में आता है बच्चों डाइएजोनियम सॉल्ट क्या है। तो यहाँ पे आप चाहे तो सिंपल यूज कर सकते हैं, ए आर हो जाएगा एन टू
एक्स ले सकते हो, ठीक है। आर ए आर मतलब समझो एलाइन ग्रुप एंट्रोजन्स। इसका भी फॉर्मेशन अगर जानना चाहते हो कि कैसे बना, तो पहले इसका भी स्टडी कर सकते हो। एन ए एन ओ टू प्लस एच सी एल, यहाँ से एच एन ओ टू क्या हो गया, एच एन ओ टू, यह है नाइट्रस एसिड। आपको नाइट्रिक याद होगा एच एन ओ थ्री, और एच एन ओ टू को क्या कहते हैं, नाइट्रस एसिड। और यहाँ बन गया एन ए सी एल। फिर सी सिक्स एच फाइव, यानी भाई इसके एन एच टू ले लिया, ये दैट इज कॉल्ड एनिलीन, दैट इज कॉल्ड एनिलीन। ये एनिलीन की जब रिएक्शन एच एन ओ टू प्लस एच सी एल से जाती है जीरो से पाँच डिग्री सेल्सियस, या पाँच डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 278 हो जाएगा केल्विन, चाहिए लिख लेंगे चाहिए। ये रिएक्शन बहुत पूछी जाती है कि एनिलीन से कैसे फॉर्म करोगे डाइजोनियम सॉल्ट। तो डाइजोनियम सॉल्ट क्या होगा, ये कंपाउंड आ गया, ये कंपाउंड हमारा ये हो गया ए आर समझो, और यहाँ पे एन टू अच्छा है बच्चों ऐसे ले सकते हैं, और यहाँ पे सी एल एच टू, तो बैलेंस नहीं होगा तो बैलेंस कर लीजिएगा। यहाँ पे तो ऑप्शन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड हो गई थी। तो हमारी हेडिंग क्या बताओ, डाइजोनियम सॉल्ट। अब हमारा डाइजोनियम सॉल्ट आ गया, तो आप डायरेक्ट इसी से बना सकते हो हवा, अदरवाइज ये पूरा डिटेल लेकर करके ये अभी अलग से आपके कोर्स में। तो अब हम लोग जो डाइजोनियम सॉल्ट से फॉर्म करेंगे वो एक नेम रिएक्शन कहलाता है, दैट इज कॉल्ड सैंड मेयर, सैंड मेयर रिएक्शन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन मिलने जा रहा है जो अब हम लोग फॉर्म करेंगे। तो सैंड मेयर क्या है, यहाँ पे आप एन डबल बॉन्ड है सी एल ले और प्लस प्लस नहीं बल्कि एरो ऊपर सी यू टू सी एल और एस सी एल, क्यूप्रस क्लोराइड और एस सी एल के प्रेजेंस में 60 डिग्री सेल्सियस पर अगर इसे हीट करते हैं तो बच्चों ये हो गया इसका एस सी एल हो गया, और एन टू यहाँ से निकल गया तो क्या हो गया, ये क्लोरोबेंजीन आ गया। तो हमारा मेन जो टारगेट बच्चों ए आर एस फॉर्मेशन हो गया। तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड सैंड मेयर, आल्सो यू कैन से द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। इसी तरीके से अगर ब्रोमीन बनाना हो तो आप ब्रोमीन भी बना सकते हैं, यहाँ पे आप इसी तरीके से एन डबल वन एन ब्रोमीन ले लीजिए, यहाँ पे सी यू टू बी आर टू कर लीजिए एच बी आर, तो यहाँ पे ब्रोमो बेंजीन आपका आ गया। क्या गया बच्चों, ब्रोमो बेंजीन और प्लस एन टू। यहाँ से एक हम लोग एक और नेम रिएक्शन पढ़ना चाह रहे हैं, तो ये हो जाएगा गाटर गाटर माइंड रिएक्शन, गाटर नाइन। और ये दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, किसको यहीं से याद कर लेंगे बच्चों, एन एन डबल बॉन्ड एन सी एल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और यहाँ पे क्या चेंजिंग होगी बच्चों वो ध्यान देना, सी यू प्लस एस सी एल, ठीक है। यहाँ पे क्यू प्लस क्लोराइड, यहाँ पे क्या है कापर, क्यों कापर क्लोराइड। तो ये जो आपका फॉर्म होगा ये भी यहाँ से भी आपका टारगेट क्या होगा, क्लोरोबेंजीन बन गया, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस के कारण एक नेम रिएक्शन आपको तैयार हो गया गाटर में। तो सैंड मेयर भी बहुत पूछा जाता है, उसके बाद गाटर में भी कई बार बोर्ड में पूछा गया। एक हम लोग मान लीजिए नेक्स्ट सेटिंग होगी बच्चों बाल्स, बाल सीमेन रिएक्शन, बाल सीमेन रिएक्शन।
ये भी एक नेम रिएक्शन है, यहाँ पे एनिलीन, इसकी रिएक्शन NaNO2HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड से जब कराते हैं यहाँ पे N2BF4 आपने दिखाई दे रहा था N2BF4। इसको फिर अगर हम लोग आगे प्रोसेस करते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा F, और यहाँ से BF1 चला गया तो BF3, और यहाँ क्या हो गया N2। ये आपको फ्लोरो बेंजीन हो गया। यहाँ तक नोट कर लेंगे आप। N2B4 इसका हो जाएगा बेंजीन डाई एजोनियम टेट्रा फ्लोरो बोरेट, बेंजीन डाई एजोनियम टेट्रा फ्लोरो बोरेट। तो ये थोड़ा सा टफ रिएक्शन था, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। इस तरीके से हम लोग इसकी प्रिपरेशन पढ़ ली है। इस प्रिपरेशन के बाद बच्चों क्या आती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हेलो एरिंग्स आर कलरलेस लिक्विड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, या तो एक कलरलेस लिक्विड होता है या क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। हिंदी मीडियम के बच्चे रंगीन लिक्विड होता है या क्रिस्टली ठोस होता है। दूसरा पॉइंट डेंसिटी में C6H5 BR C6H5 I, इसमें बच्चों सबसे ज्यादा डेंसिटी है। और रीजन क्या दिया है, रीजन है इंक्रीजिंग हाइड्रोजन एटम, इंक्रीजिंग द साइज ऑफ हाइड्रोजन, ज्यादा सही रहेगा द साइज ऑफ हाइड्रोजन। इसके बाद इसमें बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट भी इन्हीं की है बच्चों, बॉइलिंग एंड एमपी सेम है बिल्कुल। रीजन भी दे दीजिएगा, ऊपर लिखा है तो C6H5 Cl C6H5 Br C6H5 I। ये थोड़ा आर्थो पैरा देख सकते हैं आप, आर्थो पैरा मेटा, ये थोड़ा सा कंपटीशन का क्वेश्चन है बच्चों, कंपटीशन का क्वेश्चन। तो ये अगल बगल है तो क्या है, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये क्या है, यहाँ पे सीएल को यहाँ पे बैठा दिया, ये मेटा हो गया और ये पैरा बैठा है, पैरा आमने सामने। इसमें कई बार पूछा गया कि किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो आप इसका बता देंगे इसका, और रीजन इसका है रीजन सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है और इसके तरीके से बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं ये, कौन ये पैरा, तो ये जब पैरा कॉम्पैक्ट होता है तो इसको हमको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है, इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, ज़्यादा होती है, सॉरी।
वाले वर्ड ज्यादा होता है। एक और इसमें लिख सकते हैं इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन, सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में क्या होते हैं इनसॉल्युबल होता है। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने इसकी हेलोजन की प्रिपरेशन पढ़ लिया, थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसी की प्रिपरेशन और केमिकल आर्गेनिंग में मेन होता है। थैंक यू मिस्टर।